ये कोई जरूरी नहीं जो वीडियो आज आपकी आंखों के सामने हो वो सच ही हो। इसी बात को लेकर आज हम आपको देश और दुनिया भर में वायरल हुए वीडियोज की वो असली सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आपसे छुपी रही है। ये सभी वीडियोज आपने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, इसलिए इनके पीछे का सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल Planet Earth India को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी कुछ वक्त पहले ही झांसी के कांशीराम पार्क का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसकी वजह थी ये जिम वाली मशीनें जो अपने आप चल रही थी, मानो जैसे कोई उनको चला रहा हो। मगर जो इनको चला रहा था वो दिख नहीं रहा था। इसी डर और रहस्य ने इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल होने में बड़ी मदद की। जहां कुछ लोगों ने इसे सच में भूत बताया, वहीं असली सच्चाई कुछ यूं थी कि किसी भी मशीन में जंग लगने से रोकने के लिए उसमें ग्रीस और ऑयलिंग की जाती है, मगर इस मशीन में एक बार ग्रीस देने के बाद इसे एक बार हिलाकर छोड़ देने पर यह मशीन अपने आप हिलती रहती है, वो भी काफी देर तक। इसी बात का फायदा उठाते हुए पूरे भारत देश के लोगों को भूत के नाम पर उल्लू बनाया गया। भूतों के विषय में बात करें तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इससे पहले हमने भी इस वीडियो पर चर्चा की है। ये वीडियो इन लोगों की ऐसी अजीब और भूतिया गतिविधि के चलते हर किसी के फोन तक पहुंच गया, यानी कि वायरल हो गया, और तो और लोगों ने इसे सच मानना शुरू भी कर दिया। वहीं इंटरनेट पर कड़ी खोजबीन के बाद हमें मालूम हुआ कि ये एक बीमारी है जिसे मास हिस्टीरिया कहा जाता है, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसमें कोई अनजान डर एक से दूसरे में पहुंचकर अफवाहों को बढ़ावा देता है और लोग ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारे ही भारत देश के एक स्कूल के वीडियो में देखने को मिला, जिसमें अधिकतर बच्चे मास हिस्टीरिया का शिकार हो जाते हैं और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। वैल, ऐसी और घटनाएं आपको पेरू और दुनिया के बाकी कई देशों में देखने को मिल जाएंगी, जहां बच्चे ऐसे अजीब बीमारी का शिकार हो गए जो असल में एक बीमारी थी, ना कि कोई भूतिया साया। ईगल एक बहुत ही खतरनाक, चालाक और तेज तरार पक्षी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके अटैक करने की स्टाइल बाकी किसी पक्षी में कभी देखने को नहीं मिली। वहीं YouTube पर आपको इसका ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये ईगल किसी इंसानी बच्चे को उठाकर ले जाने की सोचते हुए हमला करता है। ये वीडियो बड़ा शॉकिंग था, ऐसे में वायरल होना तो बनता है। मगर बाद में इसकी पूरी जांच हुई तब मालूम हुआ कि ये भी एक झूठा और कम्प्लीटली फेक वीडियो था, जिसे किसी स्टूडियो में बैठे एक लड़के ने एडिट करके बनाया था, मगर लोगों ने इस पूरी घटना को सच मान लिया। हेलो एवरीवन, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं? वेल, होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई जो है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर हमें कौन एडवाइस देगा, तो हम बता दें, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल, जो इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में शामिल होने के साथ 30 सालों के अनुभव और 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स की भरोसेमंद कंपनी है, के साथ आपको डीमेट अकाउंट की कोई चिंता नहीं। इनकी सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको मिलेगा जीरो मेंटेनेंस चार्ज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ्स और मोतीलाल ओसवाल की एडवाइस के साथ आप स्टॉक मार्केट में उतरने को तैयार हैं। मोतीलाल ओसवाल को पर्सनल स्टॉक एडवाइजर बताएगा कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है। इसके साथ ही आपको अपने मोबाइल ऐप में स्टॉक्स पर मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट खोलने के लिए 25,000 रुपए की वेलकम बास्केट, जिसमें मिलेंगे सभी AI बेस्ड टूल्स, 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स, 1,000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक के साथ मिलेगा फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल्स के जरिए जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर और शहर दर्ज करके आज ही खोले अपना खुद का डीमैट अकाउंट। क्या आप टाइम ट्रेवल और सुपर पावर्स जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वहीं आज से कुछ सालों पहले एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया में काफी वायरल रही, जिसकी वजह थी एक टाइम ट्रेवल और सुपर पावर का नजर आना। इस वीडियो में आपको एक लड़की एक शख्स को बचाती हुई नजर आती है, जिसे देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये वीडियो उस दौरान काफी सुर्खियों में रहा। वहीं हमने इसकी जांच पड़ताल की और पाया कि ये एक चाइनीज गेम के प्रमोशन के लिए फैलाया गया वीडियो था।
इसी गेम की दूसरी प्रमोशन में आप इसी लड़की को दूसरे वीडियो में देख सकते हैं जहां ये मॉल में नजर आती है और लोगों की नजरों से बचने के चलते ये सुपर पावर्स की मदद से वहां से भाग जाती है, जो कि एक स्क्रिप्टेड और एडिटेड कैंपेन था अपने गेम को हिट कराने का। आज से कुछ वक्त पहले कपल ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो खुद को ट्रॉफी हंटर बुलाते हुए लोगों को ये दिखाते हैं कि उन्होंने एक शेर का शिकार किया है। तभी दूसरा शेर आता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके वीडियो लोगों के साथ साझा करके वो लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, उल्लू बनाने का। वीडियो वायरल होता है तो ऐसे में वीडियो एक्सपर्ट इसके तह तक जाते हैं और पता करते हैं कि ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन की मदद से बनाया गया था। ऐसे में ना इन्होंने कोई शिकार किया ना ही वो शेर असली था जिसने इन पर हमला किया। उम्मीद करते हैं ये सभी वायरल वीडियोस अब आप जब भी अपने फोन में देखेंगे तो उन पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई कर भी कैसे सकता है। साथ ही बड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक्स के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।